सो हेलो फ्रेंड्स, देखिए आज का जो हमारा स्टॉक है वो कोल कैप्स इंडस्ट्री लिमिटेड पे है। गाइस, कोल कैप्स इंडस्ट्री लिमिटेड पे आप देख सकते हैं अभी 3.58% की हमें अच्छी खासी तेजी देखने को मिल रही है। लेकिन गाइस, अगर बात करें स्टॉक के बारे में तो स्टॉक ने अच्छा खासा रिटर्न भी दे दिया। देखिए 599 करोड़ का ये स्टॉक, मतलब आप कह सकते हो पैनी शेयर है हमारा। ठीक है गाइज, अगर हम बात करें इस स्टॉक के बारे में तो फ्राइडे तक इसमें कम से कम 6.38% तक की अच्छी खासी तेजी देखने को मिली थी और 501 पे ये स्टॉक बंद हुआ था। देखिए अभी कहाँ 519 पे चल रहा है। ठीक है, एक हफ्ते पहले की अगर हम बात करें तो केवल ये स्टॉक ना 375 रुपये का था ये कोल कैप्स इंडस्ट्रीज का। देखिए इस टाइम पीरियड में कम से कम 33% का अच्छा खासा इसने रिटर्न दिया है। वहीं एक महीने में आप कह सकते हो इसने 108% तक की जो इसके अंदर हमें ना जो बढ़त है वो देखने को मिली है, मतलब आप कह सकते हो तेजी देखने को दर्ज करने को मिली है उसकी। वहीं पिछले 3 महीने में अगर हम इस स्टॉक का देख नोट करें तो 188% तक की अच्छी खासी अधिक से भी ज़्यादा, मतलब बहुत से ज़्यादा एन उछाल देखने को मिली। इसका जो 52 वीक का हाई आप देख सकते हो 478 था एंड लो इसका 41 था। गाइस देखिए, अगर हम इसके 52 वीक के हाई की बात करें तो वो उसका 470 आप देख सकते हो हाई अभी 526 जो कि हर डे चेंज होता है दिखा रहा है एंड लो इसका 511 दिखा रहा है। लेकिन वहीं अगर 52 वीक का हाई बात करें तो 526 था गाइस एंड इसका लो 38 था। तो गाइस देखिए, स्टॉक काफ़ी अच्छा है, पैनी स्टॉक है एंड आप देख सकते हो काफ़ी अच्छा इसने रिटर्न भी दिया है। अगर मैं इसके वॉल्यूम की बात करूँ तो आप देखिए अभी तो वॉल्यूम चल रहा है 7K एंड यस्टरडे देखिए कितना ज़्यादा वॉल्यूम था इसका 35K का एंड इसकी डिलीवरी 19K थी। वही पिछले एक हफ्ते की बात करें 36 और 36K का इसका वो डिलीवरी थी। गाइज हम अगर इसके पैटर्न की बात करें रिवेन्यू की, देखिए 46 इस साल काफ़ी अच्छा दिया है। नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट थोड़ा सा हमें कम देखने को मिला 3 करोड़ तक का। अर्निंग पर शेयर की बात करें तो वो थोड़ा सा कम हुआ है 3.73 हुआ है एंड रिटर्न ऑफ इक्विटी की बात करें तो वो 28 से घटकर 10 हो गई है। कंपनी पे कर्जे की बात करें तो कर्जा आप देख सकते हो कंपनी पे कर्जा मतलब 1.15 हुआ है जो कि थोड़ा सा बढ़ा हुआ देखने को मिलता है। इस पर देखिए प्रमोटर और पब्लिक की होल्डिंग है, FIDI की होल्डिंग नहीं है क्योंकि पैनी स्टॉक है। ठीक है, प्रमोटर की होल्डिंग हम 73 देखने को मिलती है एंड पब्लिक की होल्डिंग हमें कम से कम 27 देखने को मिलती है जो कि बड़ी है। सो गाइज देखिए, पैनी स्टॉक जिसने भी अगर इसमें होल्डिंग ले रखी होगी ना तो गाइज उसको अच्छा खासा रिटर्न तो मिल चुका होगा। ठीक है, अभी इस तरीके से तेजी में है। ठीक है, आपको पता है पैनी स्टॉक में हमेशा रिटर्न डबल का डबल मिलता है और बहुत जल्दी मिलता है। सो गाइज थोड़ा सा रिस्की स्टॉक होता है, बस नज़र बनाए रखें। जब आपको फॉलिंग लगे तो रिस्क और रिवॉर्ड अपना ऐसा फेवरेबल रखें, स्टॉप लॉस ऐसा लगाएं कि आपको मतलब प्रॉफिट तो हो बट ज़्यादा रिस्क भी ना हो। सो गाइस, आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी। अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को जरूर लाइक करें, कमेंट करें एंड बेल आइकन प्रेस करें। गाइस थैंक यू।